ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ हैप्पी नहीं दिखी हैगी ठीक है इतनी मास्टर जी अटेंडेंस वगैरह लगाने हो कुछ नहीं हाँ जी किस टाइम आए अपने हस्ताक्षर कर दो किस टाइम गए फिर हस्ताक्षर कर दो महीना होता है ठीक माटी तुम किदा लग रहा हूँ ठीक लग रहा आखिरी दिन आखिरी दिन किदा लग रहा आखिरी दिन हाँ जी हाँ जी किदा ना मतलब किदा दिल की चल रहा है दिल दे विच हाँ मेरे को ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा अच्छा सरकार मेरे को भेज रही है पर मत ठीक है क्योंकि अभी तो सेशन का टाइम बच गया दो महीने का अच्छा भले ही रिटायर ने कर दिया लेकिन बच्चों का काम करवाने के लिए फिर सही छोटे से टाइम के ऊपर बच्चों का नुकसान ना हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है इनके पीरियड्स लेके जाने मेरा अपना जो सब्जेक्ट है उसका मैं करवाऊंगा उसका टीचर नहीं है अच्छा सदस्य ही है ठीक है साइंस का यदि टीचर होता तो मैं आज फ्री हो जाता लेकिन यार साइंस का अध्यापक नहीं है इसीलिए नहीं है जब तक सेशन पूरा नहीं होगा मैं भी काम करूंगा अच्छा आना पड़ेगा आपको है पड़ेगा तो नहीं, नहीं आएंगे आप आऊंगा अपनी तरफ से अपनी तरफ से आप आएंगे ठीक है सामाजिक मर्यादा मेरा तो सब लिखा रहे उतार लो थोड़ी अंदर Okay.
सभी इनके साथ जो परिजन आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, आप सभी अनुरोध है कृपया अंदर आए और कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। गांव से प्रधान सुरेंद्र जी, राम निवास जी, पंचायत नई पंचायत सभी पंच बलोक समिति से प्रतिनिधि के रूप में भाई मंदीप जी और गणमान्य व्यक्ति, हेड सर के साथ आए सभी परिजन, आप सभी का विद्यालय के इस प्रांगण में पहुंचने पर सभी गांववासी तथा विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत एक बार सभी मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे, सभी अपना सहयोग करें, गायत्री मंत्र शुरू करें। बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति, आप सभी से अनुरोध है कि वो कृपया मान और सम्मान की पगड़ी जिम्मेदारी हमारे हेड सर रामकर जी को बांधकर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हेडसेट के साथ फोटो जरूर खिंचवाए, सभी पंचायत के सदस्य फौजी साहब मंत्री के रूप में मान सम्मान। इसके बाद वो अपनी तरफ सुरेंद्र जी अपनी तरफ से पगड़ी के द्वारा हेड सर का मान सम्मान करेंगे। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। उनके लिए विशेष खुशी का दिन है। देखिए जीवन में जब भी किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसी समय उसका ये भी लिखा जाता है कि जब हम सेवा में प्रविष्ट हो गए तो ये भी होगा कि हम रिटायर कब हो गए। ये एक व्यवस्था है अभी बाकी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से, आज ही अपने आयु के सेवा के 58 वर्ष पूरे करके शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति शिक्षा विभाग से हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से सामाजिक कार्यों से कभी नहीं हो सकते। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति रिटायर नहीं हो सकता, उसके रिटायर यानी कि दूसरे टायर लग जाएंगे जिसमें सामाजिक मानवता का एक दायरा होगा। कि दो लाइनें याद आती हैं तो ये जो इन पर लागू होती हैं, आज मैं रिटायर हो गया हूं, आज मैं रिटायर हो रहा हूं, आज बदल रही है मेरी सिचुएशन हेडसेट के लिए ही है। आज मैं रिटायर हो रहा हूं, बदल रही है आज मेरी सिचुएशन, मेरी जो टेंशन है बच जाऊंगा मैं आज टेंशन से और करूंगा मैं आज से हेलो पेंशन, हेलो पेंशन।
तो ये जिम्मेदारियाँ थी जो रात को 11 बजे भी कई बार ऐसा होता आपने एक फॉर्मेशन देनी है तो वो जिम्मेदारियाँ कहते हैं सोने नहीं देती, चाहे वो घर की हो या स्कूल मुखिया के रूप में। बहुत दिनों बाद हमारे स्कूल में प्रॉपर स्कूल हेड के रूप में रामकरण जी आए, जिससे पूरा स्टाफ पूरा स्कूल बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा। नहीं तो हमारे ऐसा हो गया था कि वे कम संख्या के कारण इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग सर की। बहुत सारी सर्विस गांव में रही, अपने गांव जाकिरपुर में रहे, गर्ल्स स्कूल में रहे 5 साल के आसपास, फिर ये बॉयज स्कूल में रहे 4-5 साल, फिर ये मासौली स्कूल में रहे और उसके बाद हेड बनकर यहाँ आ गए। लिमिटेड से स्कूलों में इन्होंने अपनी सेवा दी और आसपास में। नहीं तो ऐसा सुने होगा गांव की गांव में नौकरी करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गांव में, लेकिन इनकी 20-22 साल की नौकरी का अपने गांव की है, बड़ा गांव है। तो ये कई व्यक्ति को दर्शाता है कि ये किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए जिससे गाँव वालों को ये लगे कि भाई इस व्यक्ति भेदभाव कर सकता है। सर आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर हमें इनाम मिले, सर आपके साथ कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर हमें इनाम मिले। सफर पर तो निकले थे आप और हम एक जैसे एक ही पर, सफर पर तो निकले थे आप और हम एक ही पर, मगर जो तजुर्बे मिले आपसे हमें बड़े वो तमाम मिले, बड़े निराले मिले। ऐसे हमारे हेड सर थे, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक पत्थला।
ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, मड़क के एक शराबी था, वो दारू पी के घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में एक पदम्मा पड़ा था, उन्होंने वो पदम्मा उठाकर अर्ध आ लिया और डांगते हुए शराबी का मुंह लग गया, मुंह लग गया। उन्होंने सोचा भाई वो तो गलत हो गया, उन्हें काट के और फेंक दिया तेरी बेटी ने, दूसरी समय हमारी मत काट के फेंक गया था तुमको। वो ट्रक के पीछे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी मिलती है, पगड़ी दर मंद रीस कर, है ना, पढ़ा होगा ना बच्चों आप लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि अगर यदि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है तो उसको नीचे गिराने की बजाय वी शुड ट्राई टू कम विद हिम और हार, हमें उसके साथ आने की कोशिश करनी चाहिए, वी शुड डू हार्ड वर्क, अच्छी कोशिश करो, अच्छा पढ़ो, उसके बराबर में आओगे। ये रब ही जाने कि क्या क्या आप ख्याल होगा, ये तय है मन में सभी के, ये तय है मन में सभी के कि क्या सवाल अब होगा। आप तो जान की मानिंद है, आप तो जान की मानिंद है रामकरण जी हम सब के लिए, आपके बिना यहाँ सभी का हाल क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। नई बात तो रोज करा बात कर लिया जिगर पुराना, परदेश की गोल्डन जुबली का इतिहास मने दोहराना, हाँ 1 नवंबर सन 66 में बना मेरा हरियाणा, यो इंदिरा जी के कारण यो प्यारा परदेश बनया था जी, पूरी दुनिया में नंबर वन मारा परदेश बनया था जी, आज भी मारे पहला के जो कुदुम कबीले कठे से, रोन दोन का काम नहीं अर्चक मासी छठे से, सीधे साधे लोग यहाँ और सीधा साधा बाना रे, और लिते भी गोना पावे यो दूध दही का खाना, मोर मंडेरा पै बागाम ने कोयल बोले से, पीटी करे पपैये गीले नरम काल जा छोले से, धरती माटी छाती पैयो जमींदार हल गाडे से, देख पसीना हाली काया माटी सोना काटे से, मरहन दाता दिन रात न देखे नहीं देखता मीना डेट, आप बेचारा भूखा सो गया पूरे देश का भगत पे, सुनियो जिगर जवाना का जो पहरा देगा बॉर्डर पे, मेरे हरियाणा के वीर का भूत यार मिलेंगे ऑर्डर पे, दुश्मन की गोली आके पतंग छाती भर, दुश्मन की गोली आ गई पत्थर की जोड़े रे, मैं देर सिंह किला के रागनी तान के छाती खड़े रे, हम खेला मैं भी कम को ना मर पड़े चुगर दे रुका, अजान काट ले बैरी की जम्मा रे जंदर मुक्का, आयो के सर की कुश्ती की भी दुनिया पहन को सुती, संग्राम रैशनल काट नहीं भाई बोले नाम की कुत्ती, मरे हरियाणा की बेटी भी किसे चीज में कोन्या कम, पूरी दुनिया दंग रहेगी जब ओलंपिक में देखा दम, लड़ो साफ सी देश की खातर जान लगा के खेली थी, चांद के ऊपर गई कल्पना देश की शान अकेली थी, ऋतु रानी का होकी मैं रोक का सूता ठाटा था, संतोष यादव ने चोटी पे जाकर झंडा काटा था, गीता और पविता ने भी देश का रोशन नाम करा, जो छोरे भी ना कर सकते छोरिया ने ऐसा काम कर, जो कसो हमारे गाँव माँ के हमारे गाँव सुरक्षा है अच्छे से, ना बेरा घने स्टैंडर्ड का प्रमाण दिल के साक्षे से, दयावाणा में का पिताई गीत सुरीले गाँव ऐसा, चाकर जैसा पाना के जब बात को थड़िया वैसा, अड़मिल जुल कर सबरे आकर है भाई जीने का जब तरीका है, सही कहूँ तो अगर माँ गए मरी का भी फिका है, ये बात करूँ मैं शहरा की रोनक प्यारी से, जब है तो हमारे गुड़गांव में मैं कई कंपनी आई से, पंचकुला में गेड़ा मारो जाके देखो कदे हिसार, कर खड़ो करनाल जिले भी लंदन पे कम कौन है यार, गणी गिना दुख भी है पर तन सही यो गाना है, काले पे दौड़ा लिखवा लो नंबर वन हरियाणा है। जिन्हें रूप गल तेरा पाऊं ते आ
सरपंच जी, सुरेंद्र जी, इनसे
जी में कहना चाहूंगा कि जैसे पहले सरपंच रामकुमार सिंह जी जो हमारे स्कूल का जो सहयोग किया स्कूल के विकास के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपने तन मन धन से जो हमारे स्कूल में योगदान दिया है वो सभी बार बार हर अवसर पर हम उनका जिक्र करते हैं। उनसे मैं यही कहूंगा कि इसी प्रकार से हमारे विद्यालय का आगे भी सहयोग करते रहे। जब इस विद्यालय के अंदर बच्चों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी और रामनाथ प्रधान जी के पद पर आए थे उस समय की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इन्होंने अपने प्रयास से सेतुपुर गांव से गाड़ी लगाई अपने खर्चे से, स्टाफ की कमी थी तो वहां पर इन्होंने अपनी तरफ से अध्यापक नियुक्त किए, विद्यालय के अंदर फोर्थ क्लास की कमी थी उसको पूरा करवाया और जो भी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती थी तो ये हमेशा तत्पर रहते थे। और उस दौरान का मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छा समय था वो कि विद्यालय के अंदर से कई बच्चों ने हमारे जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त करके आए और जो रिजल्ट थे वो लगातार सौ प्रतिशत थे। तो मेरा अनुरोध है रामनाथ प्रधान जी जो पहले सहयोग करते थे उसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहे। गोलोक समिति के प्रतिनिधि मंदीप जी इनसे जो ये अभी नियुक्त हुए हैं तो मेरा अनुरोध है इनसे भी कि ये भी हमारे विद्यालय की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि विद्यालय के अंदर जो है काफी सीटें स्टाफ की टीचिंग स्टाफ की भी खाली है, फोर्थ क्लास की भी खाली है, कंप्यूटर टीचर लैब अटेंडेंट आदि की नहीं है। तो ये भी ये हमारे नए प्रधान जी पूर्व प्रधान रामनाथ जी लोक समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि मंदीप जी ये जिले किसी तरह से स्कूल के अंदर टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा करवा सके तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे साथी मेरे भाई जैसे जो अभी को जिक्र किया था कि मैं जब मेरा प्रमोशन हुआ तो इच्छुक था कि मैं दरियापुर जाऊं लेकिन मेरे भाई सत्यवान जी के अनुरोध पर मैंने कुमाई विद्यालय को लिया और उस समय मैंने इनसे एक बात कही थी कि आप मेरे घर के सदस्य हैं तो ये मत मानिए कि मैं वहां पर मुख्य अध्यापक के रूप में जाऊंगा, आप मेरा सहयोग हर विषय में हर जरूरत के समय हर कार्य में करेंगे तो मैंने ये बात मानी। तो मेरे भाई ने भी ये बात मेरी मानी और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इस दौरान मेरे को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि कौन सा काम कैसे हो जाता है, काम आते थे और ये मेरे को पता लगता उससे पहले ही लगभग उनको पूरा कर पाते थे। धन्यवाद करता हूँ साथ साथ जो मेरे विद्यालय का स्टाफ है मेरे से ये बता देता हूँ इसके बारे में कहूंगा हमारे नरेंद्र जी जो मैथ मास्टर है ये अभी आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे बच्चों की जो कुछ कमियां हैं उनको अच्छी तरह से दूर करवाकर उनका अच्छी तरह से काम करवाएं। हमारे विद्यालय के जो राजेश जी शास्त्री जी ये तो ये मान के चलो कि कैश का जो काम है अन्य जो काम है मिड डे मील का काम है कैश का काम है तो ये इतनी निपुणता से कर देते हैं कि मेरे को आते कि यही एहसास नहीं हुआ कि ये काम कैसे हो रहा है या इसमें कोई अड़चन आई है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी सतपाल जी हैं हमारे स्कूल में कंप्यूटर टीचर नहीं है लेकिन इसके साथ ही कंप्यूटर का कोई भी काम हो सारे काम समय पर ही वे निपटा देते हैं जबकि कई बार तो मैं उनको अनायास ही परेशान भी मैंने उनको कर दिया। एक बार कोई विभाग की ओर से सूचना आई थी तो भी आज 2:30 बजे तक की सूचना कल 2:30 बजे तक की सूचना पूरी करके जी और अगले दिन की छुट्टी मैंने इनसे किया कि एक सर्दी की बात है जिनमें आएगा
क्लिनिक से क्या सपा थी, बच्चों के स्टाइपेंड की रात जो है कल टाइम से पहले पूरी करनी है, बोला जी कल की छुट्टी है, उनका भाई आदेश ये है, बोला जी ठीक है मैं कल आऊंगा। और ये आके सकून में आके वो काम निपटा के गए। इनके हम गणित ऐसे ही उदाहरण हैं जिनके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने मेरा सहयोग किया। सुंदरा मैडम लाइब्रेरी के साथ साथ वो जो अन्य काम है उनको भी, जैसे ही इनको कोई काम दिया जाता है अपनी जिम्मेवारी समझकर अपने को बड़े निपुणता से उनको निपटा देती है। और जो हमारे साथी हैं स्टाफ मेंबर हैं, मेरे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि स्कूल के अंदर किसी काम की कोई टेंडेंसी है या किसी काम के अंदर कोई डिले हो रहा है। नरेंद्र जी ये जितनी जो हैं और मनोज जी वहाँ के हेड टीचर हैं, इनसे भी मैंने कई बातें सीखी। इनकी एक सबसे अच्छी बात ये लगी मैंने कि इनके पास 5 क्लास हैं और 2 टीचर, ये सभी बच्चों को कॉमन बैठाकर काम देते हैं। तो मैंने एक दिन देखा कि ये दोनों जो बच्चे इकट्ठे काम कर रहे हैं उनके अंदर कोई प्रोग्रेस होती है तो उनके ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको अगले ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं, बाकी बच्चों के साथ फिर उसी तन्मयता के साथ लगातार काम करते रहते हैं। और ये जो बात है स्टाफ की कमी को दूर करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इसी के साथ मैं ग्राम के जो पंचायत सदस्य आए हैं उनका एसएमसी प्रधान हमारे जोगेंद्र जी, जो समय समय पर हमारे स्कूल के कार्यों में हमारा सहयोग करते हैं, गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति जो आज इस अवसर पर शामिल हुए, उनसे भी मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे सभी अपने गांव के मेरे इस विद्यालय के सहयोग के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे, सहायता करते रहेंगे और अपना जो भी योगदान है वो देते रहेंगे। धन्यवाद। वो और ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह प्रोफेसर ग्रुप कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ग्रुप मेरे बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, हमने घर नहीं बना रखी थी, ले रखी थी। चलो थैंक यू। होगी जी होगी। मास्टर जी उसको सारे मास्टर जी अंदर आ जाओ। इधर थैंक यू।
एक मिनट, एक सेकंड। हैप्पी पुराने दरवाजे इधर ऐसे मत देना चाची, एक मिनट को चाची अगे पीछे हो जाओ माड़ा जी, पीछे नाल नाल हो जाओ। चलो हुण करो ठीक है। हाँ जी एक फोटो फोटो होगी जी होगी। होगी जी इधर ही आ जाओ, ये थोड़ा। हाँ जी हूँ ठीक है। हाँ जी ए हाँ जी आओ जफ्फी ए ठीक है। अंगो फोटो खिचाओ। हाँ जी चेक लो बिरक यो पोता है नहीं गया। हाँ हाँ जो रे बुआत मैं भी सुनामानी करो। चलो अच्छा वीडियो बनाओ। एक फोटो तो मैं फोटो लेने जा रहा हूँ। ये बात भी नहीं है। हाँ ये तारियाँ तारियाँ दबा मैं वीडियो बना लूंगा ना इतने। हो गया जी हो गया। हाँ जी वो भी लेता हूँ, आप भी पहनाना। ओ तेरी आ जाएगी ना उंगली में। आ जाएगी कौन सी मोजे ले होगी ए ताड़ियां फोटो। मास्टर जी इधर देखिए एक बारी। मास्टर जी इधर देखो जी एक बार, इधर देखो जी लाला कहाँ उड़ा गया गाड़ी गया लौड़ा योगेश
हाँ जी चलो देखो जी देखो जी मास्टर जी माड़े माड़े बाल देखो जी हाँ जी ओके ले भाई ठीक है धन्यवाद जी हाँ जी इधर हो गए भैया इधर रखना हाँ जी आ जाइए कौन था एक बार आ जाओ आओ जी आ जाओ अच्छा गुरुदेव धन्यवाद धन्यवाद कभी नहीं गुरुदेव ये बात नहीं माना केवल राजी जी नमस्ते अच्छा सर ठीक है सर अच्छा पंडित जी एक और आएगा नमस्कार हाय नमस्ते हाँ हाँ बढ़िया ठीक है साहब है ठीक है लगाओ लगाइए लगाऊंगा जरूर लगाऊंगा भाई
अंगू बहुत मेहरबानी सर, बहुत धन्यवाद भगवान जी का। नरेंद्र जी गए थे, आपने कह दिया सर नो ले अलग अलग आए होगी जी। हंसके जी हो गया जी। मम्मी ने भी कर दिया। हो गई जी। जी पे फोन पे बात करा। अरे राजेश जी, दोबारा नहीं, जब अपार्टमेंट साइन करा नहीं मैं ना, जो तो आज की आज आज की आज भी आज 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 बड़े शुक्र मजाते राजेश जी बोला जी आप ही ना भूल जाओ मैं आप कर दूंगा। और जिप्स हमारा था भाई अब तक सारा पूरा कर दिया मेरे ख्याल से कितना। देखिए इनको मम्मी ने सम्मान ये तो अच्छा था पकड़ने से। अरे मम्मी अरे ये कोई बात नहीं फैसले दिया ताली भी बजा आया भी थे भैया। अरे मेरे कमरे में बढ़िया आएगी वीडियो आ जा जी। आदरणीय ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, एसएनसी प्रधान, एसएनसी के सदस्य, मेरे स्टाफ के सदस्य, गांव के गणमान्य व्यक्ति, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मित्रगण, साथी एवं रिश्तेदार, आप सभी के मेरे विदाई समारोह में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।